द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। कन्नौज में आज विधानसभा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में लगभग 59 सीटों पर 16 जिलों में जो है चुनाव हो रहा है। कन्नौज का इलाका है, कन्नौज के कन्नौज विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र जो है कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर लगातार कई मतलब कि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से डिम्पल यादव जीतती हुई आई है, यहाँ से अखिलेश यादव जीतते हुए आए तो, मगर 2017 में यहाँ से भाजपा के जो लोकसभा एमपी है वो जीत कर गए थे। तो पहले आपको अंदर का हाल बताते हैं, चूंकि कई जगहों से कुछ खबरें आती मगर यहाँ पर शांतिपूर्वक अभी तक हो रहा है। तो यहाँ पर अभी तक शांतिपूर्वक है, बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई तरह की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ईवीएम में कोई गड़बड़ी? कोई दिक्कत? कोई गड़बड़ी नहीं, सब ठीक हो रहा है। सब ठीक हो रहा है। हमारा मुद्दा बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार और इन मुद्दों में बाबा जी सफल नहीं रहे? जी बाबा जी बिल्कुल सफल नहीं रहे। अच्छा, तो बाबा जी तो कह रहे हैं कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, उनने लोगों का विश्वास हारा है, जीता नहीं है। अच्छा। किसान जो जिस तरह से उन्होंने किसानों के ऊपर नरसंहार हत्याएं करवाई और अपने हाँ बहुत बड़ा युवाओं और बेरोजगार। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? अखिलेश यादव को अब बेहतर जो होगा, अखिलेश यादव बेहतर होंगे तो अखिलेश यादव आएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? आवेश खान। से क्या लग रहा है, वोट किया आप? जी। तो किन मुद्दों पर वोट किए? यही मुद्दे हैं सारे, बेरोजगार के। अच्छा जी। तो इस बार जो लगातार कहा जा रहा था कि यहाँ पे 2017 में भी समाजवादी पार्टी जीती थी और अभी भी तो खैर समाजवादी पार्टी की एक अलग लहर है पूरे प्रदेश में, तो किन मुद्दों पर वोट किए? हम यही मुद्दे पे किए हैं वोट, किसान। अच्छा, किसान जी, आप भी किसान? जी किसान है। तो बाबा का कैसा रहा सरकार? बाबा का नहीं अच्छा रहा, सब चरवा दी साड़ों से। क्या कह रहे हैं? बाबा ने तो सब खेती चरवा दी साड़ों से। अच्छा। परिवर्तन की ओर वोट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो भाई इसको बिल्कुल 100% वोट है, बदलाव इस बार 300 के पार अखिलेश यादव। बाबा जी का नहीं रहा? बाबा जी का कुछ नहीं रहा, बाबा जी जाए मठ में, बाबा जी को अब मठ मिलेगा। तो 12 से 17 अखिलेश जी का कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा विकास किया। देख रहे हैं अखिलेश यादव को? बिल्कुल। कितना सीट? 403 में से कम से कम 303। अच्छा, 303। 303। क्या नाम है आपका? हसीब। क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर वोट किए? विकास के मुद्दे पर। बाबा जी का विकास नहीं नजर आया? नहीं, उनने तो गैया चरवाए हैं किसानों का। अच्छा। तो क्या मतलब ये जो विकास का मुद्दा रहा उसके अलावा क्या रहा? कुछ नहीं, उनने करवाया, कुछ नहीं करवाया। अखिलेश भैया सब कुछ कराते हैं। अच्छा, तो बदलाव कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सही मुद्दे। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर वोट किए? मेरा मुद्दा ये है, शिक्षा बाबा जी ने बेकार की है, महंगाई बहुत बढ़ा दी है और हमारी सब ये आवारा जो पशु घूम रहे हैं इनसे हम लोग बहुत परेशान हैं और गैस को बहुत महंगाई कर दी है, बदलाव की ओर हम लोग हैं। तो अखिलेश यादव का क्या लग रहा है, 2022 में मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बन जाएंगे, बदलाव कर रहे हैं, बदलाव की ओर। क्या कह रहे थे, 400 का 1000 हो गया सिलेंडर? सिलेंडर जो 400 रुपए का मिलता था बाबा जी की सरकार में, वो 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया। डीजल और सब्सिडी के लालच दिया और अब कभी अभी 23 रुपए देते थे, अब वो भी बंद कर दिए। और डीजल 50 रुपए में, जो 55 रुपए में मिल रहा था आज वो 85-90 रुपए में है। पेट्रोल जो 60 रुपए में मिल रहा था आज वो 100 के पार होने जा रहा है। तो बदलाव कर रहे हैं? बदलाव तो हम नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की जनता कर रही है। तो बाबा जी तो कह रहे हैं कि देश राज्य में गुंडा मुक्त भय मुक्त कर दिया। अरे ये कुछ नहीं, गुंडा था ही नहीं कोई। अच्छा। वो दंगा तो हमेशा जो है जो विपक्ष में होता है वही तो करवाता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से भाजपा करवा रही थी ये सब? अभी हाँ वही करवा रही थी। तो बदलाव इस बार है? बदलाव है। ठीक है, आइए कुछ और साथियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, लगातार कवरेज पर है उत्तर प्रदेश के। क्या नाम है सर आपका? भैया। क्या नाम है आपका? अयाज। क्या लग रहा, बदलाव कर रहे हैं? हाँ। कितना सीट दे रहे हैं? सपा का। सपा के। तो अखिलेश योगी जी का 5 वर्ष अच्छा नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल बेकार। तो लगातार और साथियों से, क्या नाम है आपका? इस्माम। तो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मैं तो समाजवादी हूँ। मुद्दा तो होगा ना, मुद्दा यही है, बेरोजगारी नहीं, हमारे लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, हम लोग सड़क पे आ गए उतर के। पहले का आसमान में? पहले आसमान पे थे और क्या, आप सड़क पे ना, सड़क पे भी नहीं है, गड्ढे में है हम और क्या। तो बदलाव कर रहे हैं? बदलाव होगा इंशाल्लाह। और सीट दे रहे हैं 403? पूरा 300 से पार है।
अच्छा, वोट कर दिया और कर दिए, ये देखो। अच्छा ठीक है, तो जो वोट किए हैं तो ये बेरोजगारी वगैरह सबको देख कर वोट? हाँ, सब सबको देख के किया। कह रहे हैं कि बार बार की गुंडा मुक्त हुआ प्रदेश, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? गुंडाई और बढ़ रही है। हाँ और क्या, गुंडा वो खुद गुंडा है योगी बाबा, और क्या। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर हैं और यहाँ अपने साइकिल धराटा काट रही है, ओफो धराटा काट रही है साइकिल। हाँ और क्या, वो पंचर रहे, वो फूल मुरझा जाएगा, वो फूल चला गया, पतंग पतंग भी कट गई है। हाँ पतंग भी वो गंगा पार हो गई है सब। हाँ सब इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी होगी। यहाँ पर जो वोट आप वोटर हैं जी, वोट कर दिए? कर दिए। किन मुद्दों पर वोट किए? अरे यार भैया नौजवान घूम रो है तो कहना वो साइकिल एक बोट हम लोग दे ही रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, बाबा जी की 5 वर्ष अच्छे नहीं रहे? नहीं कोई नहीं, वो भैंसी साढ़ हो यही पाले हो, कुछ पाले नहीं हो। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि 2017 में तो लगातार यहाँ पे भाजपा का जीत कर आए, तो क्या विधानसभा में इस बार जीत पाएंगे? सपा सपा जीत जाएगी, हाँ 100% सब। 2017 में यहाँ से सपा ही जीती थी? सपा ही है, सपा ही गढ़ है। सपा का गढ़ है। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी तो क्या नाम है, क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा में किन को ला रहे हैं? हम लोग अनिल दोहरे ला रहे हैं। अनिल दोहरे को ला रहे हैं। 2017 में भी वही जीते थे? वही जीते थे। 2022 में भी वही जीत रहे हैं? वही जीत रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं वोट हम लोग के। यहाँ अखिलेश यादव जी से अगर सरकार बन जाएगी तो यहाँ क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कोई विकास विकास का कोई अभी तक? हाँ, अभी 5 साल में इन्होंने एक ईंट तक नहीं लगवाई, कहीं पर बता दें कहीं पर लगाई हो किसी गाँव में। बदलाव तो हो गई। आइए कुछ और साथियों से उधर जुड़ेंगे, बात करेंगे जो लोग वोट करके आ रहे हैं किन मुद्दों पर वोट किए हैं और क्या उनके बड़े मुद्दे रहे हैं। वोट किए? हाँ वोट हो गया। क्या नाम है आपका? साहिब आलम। क्या किन मुद्दों पर वोट किए? मुद्दों यही है, रोजगारी नहीं है, महंगाई है, इसी मुद्दे पर वोट किया है। इसी मुद्दे पर तो बदलाव कर रहे हैं? बदलाव कर रहे हैं अब की बार। तो बाबा जी का 5 वर्ष कैसा रहा? हमारे तो काम के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, तो मुसलमान खूब हुआ? खूब हुआ, इसी सरकार में हुआ है। अच्छा। जी तो बदलाव अब की बार बदलाव करेंगे, अब की बार अखिलेश यादव को लाएंगे। चलिए धन्यवाद। ठीक, क्या नाम है सर आपका? अमन सिंह यादव। यादव जी, तो अमन जी, तो क्या रहा 5 वर्ष योगी जी का? इनके 5 वर्ष ज़्यादा विशेष अच्छे नहीं रहे, तो बेरोजगारी ले लीजिए या महंगाई की मुद्दा किसी भी ले लीजिए, या तो इनके समझ में व्यक्तित्व के नहीं ज़्यादा आए हैं, तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं। तो आप लोग बदलाव कर रहे हैं? धन्यवाद। तो लगातार और कुछ साथी हैं उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे रहे? क्या नाम है आपका? जी फौजान। ठीक, तो क्या मुद्दे पर वोट किए हैं इस बार? मुद्दे पर कुछ नहीं साहब, सबसे बड़ी जो है टेंशन ये परेशानी है, ये लाइट का बहुत बड़ा मामला खराब है, लाइट नहीं आती। तो हाँ, हाँ साढ़ बहुत चढ़ते हैं, लाइट का सबसे बड़ा समस्या, लाइट का समस्या बहुत बड़ी सबसे। क्या इस बार लाइट कम आती? हाँ बदलाव होगा लगता है हमको कि बदलाव हो सकता है। अखिलेश यादव को ला रहे? हाँ हाँ। आइए कुछ और साथियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे कि किन मुद्दों पर वोट किए हैं। कर दिए वोट भाई? कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में है और ये कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, कभी डिंपल यादव कभी अखिलेश यादव, तो 2017 में यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे थे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।